नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा। सौरा सेठ के चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों ये हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस जो आपको मैंने दिखाई थी, देखिए ये है। इसको तो आपने देखा ही था, ये तो कंप्लीट हो गई थी। अब मैं दूसरी दिखा रही हूँ आपको, ये हमारे कान्हा जी की, देखिए ये दिवाली स्पेशल है। दिवाली को या धनतेरस को मैं पहनाऊंगी। आपको कैसा लगा देखिए। मैं इसलिए दिखा दे रही हूँ क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि अगर आप इस तरह का ड्रेस बना रहे हैं तो किस तरीके से राधा कृष्ण का बनाएं। और ये देखिए, ये मैंने कान्हा जी का, ये देखिए इस बार मैं वो पटका जो होता है वो नहीं बना के इस तरीके से बनाए। ये देखिए, ये गले में इनके पहनाया जाएगा इस तरीके से। ये भी काफ़ी पोंचो जिसको बोलते हैं वो है। ये गोपाल जी का है, लड्डू जी का, और ये कान्हा जी का है। देखिए ये इनका पटका है, पटका के बाद भी ये इनका है। और इनका लड्डू गोपाल जी का मैंने नहीं बनाया है क्योंकि दिवाली या धनतेरस पे इतने सारे ज्वेलरी वगैरह सब पहने रहते हैं, फिर बाद में भी ड्रेस पहनाना रहता है तो ये पहना सकते हैं। तो अभी तक तो पटका नहीं बना है। और ये हमारी राधा रानी का है, देखिए ये देखिए मैंने अलग थोड़ा डिजाइन का बना है। अगर आप इस डिज़ाइन का बनाना चाहते हैं तो बताइएगा, कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगी आपको। देखिए ये इनका लहंगा हो गया, ये देखिए ये इनका जिस तरीके से मैं चोली बनाती हूँ सेम उसी तरीके से है। और ये इनका साड़ी टाइप का थोड़ा है लुक, ये इस तरीके से मैं पल्लू जब मैं पहनाऊंगी तो आपको समझ में आएगा। ये पीछे से इस तरीके से आएगा, ये मतलब आगे रहेगा, ये शोल्डर पे आएगा और ये पीछे घुमा के ये कमर में मतलब टक हो जाएगा और ऊपर से ये दुपट्टा रहेगा। देखिए इस तरीके से रहेगा, जब वो चंद्रिका वगैरह जो भी पहनेंगे तो उसके ऊपर से ये दुपट्टा रहेगा। आपको कैसा लगा? तो यही है पूरा ड्रेस, तैयारी हो रही है दिवाली की। इस लॉकडाउन में तो और कुछ नहीं ज़्यादा, बस जो हो पा रहा है वही। राधे कृष्णा।